A big hello to my YouTube family. Welcome to Diva Classes. This is Divya Vadvani, your English teacher. Today we'll be studying the story, the part 2 of the story, The Medicine Bag by Virginia Sneave. And this story is for class 11 and 12 ISA. Okay, तो हमने इसका स्टार्टिंग का पार्ट पढ़ा था जिसमें मार्टिन द मेन पर्सन इन द स्टोरी वो उनके ग्रैंडफादर उनसे मिलने के लिए आते हैं और ही इज अ वन हु बिलोंग्स टू अ सियोक्स कम्युनिटी. एक ट्राइब है, यूएस की एक ट्राइब है, ठीक है, नेटिव अमेरिकन की. तो वो वहां से मिलने आते हैं इनसे, बट दे आर नो वन इन द हाउस इज हैप्पी जो उनको देखते हैं, क्योंकि ही इज द वन जो थोड़ा सा अलग, मतलब इन टर्म्स ऑफ देयर अपियरेंस वो थोड़े से अलग हैं, तो इसलिए ओके. उसके बाद फिर वो उनकी थोड़ी तबीयत खराब हो जाती है, तो द फैमिली टेक्स केयर ऑफ हिम, डॉक्टर को बुलाती हैं. तो उसके बाद से वी विल कंटिन्यू फ्रॉम हेयर. मॉम केम बैक विद अ बेसन ऑफ वॉटर, वो थोड़ा सा पानी लेकर के आई. द डॉक्टर थिंक्स ग्रैंडपा इज सफरिंग फ्रॉम हीट एग्जॉशन, और वो कहती है कि डॉक्टर कह रहे हैं कि ये जस्ट बिकॉज कि बहुत लंबा सफर करके आए तो ड्यू टू हीट इनकी तबीयत जो है वो खराब हो गई, क्योंकि आपने देखा होगा फर्स्ट पार्ट में ही फेंटेड. ओके, और उन्होंने एक्सप्लेन किया एज शी बाथेड ग्रैंडपास फेस, जैसे वो ग्रैंडपा का फेस जो है वो ऐसे करके, वो जो वाटर लेकर आई थी उसमें जब ग्रैंडपा का फेस ऐसे धो रही थी तब वो एक्सप्लेन कर रही थी कि डॉक्टर ने ये बोला. मॉम गेव अ बिग साय, ऐसे करके उन्होंने गहरी सांस ली और बोला, ओ हेन मार्टिन हाउ डू यू सपोज ही गॉट इट. और मार्टिन मुझे ये बताओ कि तुम्हें क्या लगता है कि ये यहां तक पहुंचे कैसे. ओके, मतलब जो इंसान बाहर नहीं निकला हो कभी, इतना अपने एरिया से, अपने रिजर्वेशन से बाहर नहीं निकला हो, वो इतनी दूर कैसे पहुंचे. वी फाउंड आउट आफ्टर डॉक्टर्स विजिट, तो हमने ये चीज, नरेटर जो कि मार्टिन है वो कहता है कि ये चीज हमने, डॉक्टर जब गया यहाँ से उसके बाद हमने ये चीज पता की ग्रैंडपा जो थे वो बहुत ही गुस्से में वहां बैठे हुए थे और मॉम जो है वो उनको सूप पिला रही थी. Tonight you let Martin feed you, और grandpa, मेरे dad ने कहा कि आज मैरी आपको, मार्टिन ने मैरी आपको खाना खिला देगी. Who had just gotten home from work just as the doctor was leaving, जैसे ही डॉक्टर जा रहे थे उसी टाइम पर dad मेरे घर आए और उन्होंने बोला कि आज मैरी आपको खाना खिला देगी. तो उन्होंने बोला, he said, he यहाँ पर कौन है, dad, ठीक है, अपने पास books में लिख लेना. उन्होंने कहा कि यू आर नॉट रियली सिक, तुम बीमार नहीं हो बहुत ज्यादा. एज ही जेंटली पुश्ड ग्रैंडपा बैक अगेंस्ट द पिलो, की जैसे उसको ऐसे करके थोड़ा सा टिल्ट कर रहे थे बैक की ओर, तो उन्होंने कहा कि तुम बहुत बीमार नहीं हो. डॉक्टर ने कहा कि आप सिर्फ बहुत थक गए हो और मतलब बहुत आपको हीट के कारण आप परेशान हो गए क्योंकि आपने बहुत लंबी ट्रिप की थी. ग्रैंडपा रिलैक्स हुए. Between sips of soup, he told of his journey. जब वो थोड़ा थोड़ा सूप पी रहे थे तो बीच बीच में रुक रुक करके वो बता रहे थे कि कैसे वो यहाँ तक पहुंचे. Soon after, जैसे ही हम लोग, जब क्योंकि हम लोग हर समर वेकेशन उनके घर जाते हैं, तो जैसे ही हम समर वेकेशन में उनके घर होकर के आए, our visit to him, grandpa decided, तो grandpa ने decide किया कि वो he would like to see us where his only living descendants lived. तो वो ग्रैंडपा चाहते हैं कि वो देखे कि उनके अकेले, सिर्फ ओनली द लिविंग डिसेंडेंट्स की, उनकी जनरेशन, उनकी पीढ़ी का ये जो हिस्सा है, सिर्फ यही जो हिस्सा है, क्योंकि एवरीवन हैज राइट, तो वो कहाँ रहता है एंड हम लोग का जो होम है वो कैसा लगता है. बिसाइड्स ही एडमिटेड शीपिशली ही वॉज लोनसम आफ्टर वी लेफ्ट, और इसके अलावा उन्होंने ये चीज भी एक्सेप्ट की, ही वॉज अ लिटिल एम्बैरस्ड, लिटिल लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, ऐसे शर्मा करके वो बोल रहे थे कि वो बहुत अकेले पड़ गए थे जब ये लोग गए उसके बाद. आई न्यू एवरी बडी फेल्ट एज गिल्टी एज आई डिड, और मुझे पता था कि मैं मुझे उतना ही बुरा लग रहा है जितना बाकी सबको यहाँ पर लग रहा है. स्पेशली मॉम, मॉम वॉज ऑल ग्रैंडपा हैड लेफ्ट, मतलब ये इनके नाना है एज आई टोल्ड यू अर्लियर ऑल्सो. तो मॉम के मतलब इज द ओनली पर्सन जिसके जो इनके डिसेंडेंट्स में आते हैं, ठीक है, ब्लड रिलेशंस में, एकदम क्लोज ब्लड रिलेशंस में, उसके बाद उनके बच्चे होते हैं. सो इवन आफ्टर शी मैरिड माई डैड हु इज अ वाइट मैन,
teaches in the college in our city, after Cheryl and I were born, mom made sure that every summer we spent a week with grandpa. तो क्या बोला गया यहाँ पर कि इसीलिए after she married a white person, मतलब कि white American से वो जब मैरी उनकी शादी हुई तो उसके बाद उन पर्सन से जो कॉलेज में पढ़ाते हैं इनके डैड, और शेरिल और मार्टिन के बर्थ के बाद वो चाहते थे कि हर समर हम लोग वहां पर जाएं और कम से कम एक हफ्ता ग्रैंडपा के साथ रुके. आई नेवर थॉट, मुझे कभी नहीं पता था ग्रैंडपा को इतना अकेला फील होगा हम लोग की विजिट के बाद. एंड नन ऑफ अस नोटिस्ड कि वो कितने ओल्ड और कितने वीक हो चुके हैं, ठीक है, बट ग्रैंडपा को ये चीज पता थी और इसीलिए वो यहाँ पर आ गए. He had ridden on bus. वो बस में सफर, बस का सफर करते हुए for 2.5 days. It is a big time, you know. आप इसको मार्क करोगे, हो सकता है आपसे डायरेक्टली पूछे जाए कि ग्रैंडपा की जर्नी के बारे में बताओ, वो कैसे पहुंचे वहां तक. जब वो सिटी में अराइव किए, he was tired and stiff from sitting so long. एक जगह बैठे बैठे इंसान बहुत अकड़ जाता है, तो he was also tired and stiff. He set out, वो बाहर निकले बस में से. He was walking to find us. He had stopped to rest on the steps of some building downtown and a policeman found him. तो क्या बोला गया है कि he was very tired, वो बाहर निकले बस में से बाहर, जब 2.5 days के लिए उन्होंने ट्रैवल किया, फिर बस में से बाहर निकले हम लोग को ढूंढने के लिए. वहां पर वो कहीं बिल्डिंग के स्टेप्स पर रुके हम लोग को फाइंड करने के लिए. फिर एक पुलिस मैन ने वहां पर आया, वो उससे पूछा कि मतलब भाई एक पर्सन वहां पे स्ट्रेंजर वहां बैठा है, तो उससे पूछा. द कॉप अकॉर्डिंग टू ग्रैंडपा, बहुत अच्छा इंसान था वो जो पुलिस मैन था, बहुत अच्छा इंसान था ग्रैंडपा के अकॉर्डिंग, जिन्होंने उसको बस स्टॉप पर ले गए और वो वहां पर रुके तब तक जब तक बस ना आए. और उसके बाद ड्राइवर को बोला, पुलिस ने ड्राइवर को बोला कि ग्रैंडपा को बेलव्यू ड्राइव पर ले जाओ, ठीक है, कोई प्लेस है. दिस इज इम्पोर्टेंट, आपसे चार एमसीक्यूज में चार ऑप्शन दे करके ये वाला क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो आपको इसका नाम याद रखना है कि लोग कहाँ रहते थे. बेलव्यू ड्राइव पर बोला कि उसको ले जाओ. जब ग्रैंडपा बस में चढ़े, बस से उतरे, गॉट ऑफ द बस, ही स्टार्टेड वॉकिंग अगेन, फिर वो चलने लगे. बट ही कुडंट सी द हाउस नंबर्स ऑन द अदर साइड, पर वो अगर वो इस साइड चल रहे हैं तो वो उस साइड के हाउस नंबर्स नहीं देख पा रहे थे ऑपोजिट साइड के. वेन ही वॉकड ऑन द साइड वॉक, ठीक है, जब वो साइड वॉक में चल रहे थे जो सर्विस लेन वाला एरिया होता है वहां पे, सो ही वॉकड, तो इसीलिए वो मिडिल ऑफ द स्ट्रीट में चल रहे थे. और इसी टाइम पर ही तभी ये हुआ जब ऑल द लिटिल किड्स एंड डॉग्स जो है वो उनको फॉलो कर रहे थे. I knew everybody felt as bad as I did, yet I was proud. और मुझे बुरा लग रहा था, उतना ही गिल्टी लग रहा था जितना सबको यहाँ पर लग रहा था कि एक बूढ़े इंसान, यू नो, हम लोग से मिलने के लिए इतना दूर आए. पर मैं बहुत प्राउड था इस 86 years old man के. You need to remember this age also. आप जब इसको नोट्स बनाओगे तो यू विल राइट इट इन योर नोटबुक्स कि हाँ ग्रैंडपा के बारे में आपको जो चीजें यहाँ पता चल रही हैं, वेयर वॉज ही, वो कैसे रहते थे, क्या पहनते थे, हाउ ही यूज टू बिहेव, वो सारी चीजें आपको इसमें लिखनी है, इंक्लूडिंग दिस एज. हु हैड नेवर बीन अवे फ्रॉम द रिजर्वेशन, जो अपने खुद के एरिया जहां पे यूएस लैंड, जहां पर वो ये रहते थे, जहां पर उनकी पूरी ट्राइब रहती थी, वहां से वो कभी बाहर नहीं निकले थे. एंड ही हैज अ करेज टू ट्रेवल सो फार अलोन, वो इतनी दूर अकेले आने का हिम्मत रखते हैं. यू फाउंड द मनी इन माई बूट, जो ग्रैंडपा ही यहाँ पर कौन है, ग्रैंडपा, ग्रैंडपा के पैसे थे ना. ग्रैंडपा ने मॉम से पूछा कि तुमने मेरे पैसे तुम्हें मिले बूट में, तो मार्टिन डिड, तो मदर बोलती है कि मार्टिन को मिले हैं. एंड राउज्ड हरसेल्फ टू स्कोल्ड, और वो उसको मतलब ग्रैंडपा को डांटने के लिए उठी. उन्होंने बोला, ग्रैंडपा आपको इतने मनी नहीं कैरी करना चाहिए था, कोई अगर स्टोल आपके पैसा चोरी कर लेता तब. तो ग्रैंडपा हंसने लगा, I would have known if anyone tried to take my boots off my feet. तो कह रहे कि मुझे बहुत आसानी से पता चल जाता अगर कोई मेरे शूज उतारने की कोशिश करता तो, बूट्स उतारने की कोशिश करता तो. मनी इज वॉट आई हैव सेव्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम, पैसा ही है जो मैंने बहुत लंबे समय तक सेव किया है, $100.
ठीक है, मतलब अगर आप रुपीस के टर्म्स में इसको कंसिडर करोगे तो 100 डॉलर्स को इंटू ऑन एन एवरेज 83 कर लोगे, 83 पॉइंट समथिंग है इन डॉलर्स, तो 83 कर लोगे तो योर आंसर विल बी सम 8300। ऐसे करके वो कुछ पैसा लेकर के आए थे फॉर माई फ्यूनरल, और मैंने उसको सेव करके रखा है अपने फ्यूनरल के लिए, बट यू टेक इट नाउ, पर अभी तुम यहाँ इसको रख लो, इन पैसों को ग्रोसरीज खरीद लेना, मैं तुम्हारे ऊपर कोई भी बर्डन नहीं बनना चाहता तब तक जब तक मैं यहाँ पर हूँ। ग्रोसरीज, घर का सामान, जो खाना पानी राशन एंड ऑल होता है वो सब खरीद लेना, जो डेली नीड्स की चीजें होती हैं, क्योंकि मैं तुम्हारे ऊपर बर्डन नहीं बनना चाहता। दिस इज इम्पोर्टेंट, आपसे एक जनरल क्वेश्चन पूछे जा सकता है कि ग्रैंडपा ने पैसा क्यों सेव किया, अपने फ्यूनरल के लिए सेव किया, और वो यहाँ पर क्यों लेकर के आए थे, या वो मदर को क्यों दे रहे थे, सो दैट वो ग्रोसरीज खरीद लें, सो दैट वो बर्डन ना बने उनके ऊपर। ओके, आई दैट वोंट बी नेसेसरी ग्रैंडपा, तो डैड कहते हैं कि ये बहुत जरूरी चीज नहीं है, आप ये सब मत करो, हम लोग बहुत ही खुश हैं, खुद को बहुत ही ऑनर्ड समझ रहे हैं कि आप यहाँ पर हमसे मिलने आए हो, और हमारे ऊपर आप कभी भी एक बर्डन नहीं रहोगे, एंड आई एम सॉरी दैट वी नेवर थॉट टू ब्रिंग यू, और हमें बहुत बुरा लग रहा है कि हम आपको कभी सोचे नहीं कि हम आपको यहाँ पर ले आए विद अस इस समर पे, एंड स्पेयर यू द डिसकम्फर्ट ऑफ अ लॉन्ग ट्रिप, और आपको बचा पाते इस डिसकम्फर्ट से जो आपको इस लॉन्ग ट्रिप से हुई है। तो वी आर सॉरी कि हमने ये चीज कभी सोची ही नहीं कि आपको इस समर यहाँ पर ले आए। ग्रैंडपा प्लीज थे, वो खुश थे, उन्होंने बोला थैंक यू, ही आंसर, पर बुरा मत फील करो दैट यू डिडंट ब्रिंग मी विद यू, क्योंकि तुम लोग मुझे यहाँ नहीं लेकर आए, तो उसके लिए बुरा मत फील करो, क्योंकि फॉर आई वुड हैव नॉट कम देन, और अगर तुम लोग मुझे ले आते तो हो सकता है कि उस टाइम पर मैं इस बार ना आ पाता, मतलब जिस एफर्ट के साथ मैं आया हूं मैं वो नहीं कर पाता, इट वॉज नॉट टाइम, तो वो सही समय नहीं, हो सकता है कि वो सही समय ना हो, ये अब सही समय था। ही सेड दिस इन सच अ वे दैट नो वन कुड आर्ग्यू विद देम, तो वो उन्होंने उसको ऐसे कहा जैसे कि इसके बाद कोई उससे इस चीज पर आर्ग्यू नहीं कर सकता था। टू ग्रैंडपा एंड द सियोक्स ही केम, ही वंस टोल्ड मी अ थिंग वुड बी डन वेन इट इज द राइट टाइम टू डू इट, एंड दैट्स द वे इट वॉज, एंड ये बहुत ही सत्य कथा है। ओके, क्या इसे बोला गया है कि ग्रैंडपा के लिए और सियोक्स के लिए और उनकी पूरी कम्युनिटी के लिए जो वहां पर रहती है, उन्होंने मुझे एक बार बताई थी कि एक चीज हमेशा अपने सही समय पर ही करनी चाहिए, और यही तरीका है वहां के लोगों का। आप किसी भी चीज को बहुत जल्दबाजी में करोगे तो ऑब्वियसली यू विल बी इन ट्रबल। ऑल्सो ग्रैंडपा वेंट ऑन, और वो और भी चीज हमको बता रहे थे मेरी तरफ देखते हुए कि मैं यहाँ पर इसलिए आया हूँ क्योंकि ये टाइम है कि मैं मार्टिन को ये मेडिसिन बैग दे दूँ। ओके, जो दिस वाज वन ऑफ द रीजन जो वहां पर आए थे, वी ऑल न्यू व्हाट दैट मेंट, मुझे हर साहब यहाँ पर खड़े हर इंसान को पता था कि इसका क्या मतलब है। ग्रैंडपा थॉट कि वो ही इज गोइंग टू डाई एंड ही हैड टू फॉलो द ट्रेडिशन ऑफ हिज फैमिली टू पास अ मेडिसिन बैग, उनको पता था कि ही इज सपोज टू डाई, मीन्स ही इज 86 एंड सून ही विल डाई, तो वो जो मेडिसिन बैग है वो मुझे पास करना चाहते थे, एंड अलोंग विद इट्स हिस्ट्री, अब और वो वहां की रीत है कि आप अपने डिसेंडेंट को मेडिसिन बैग पास करते हो, बताते हुए कि इस मेडिसिन बैग का इतिहास क्या है, क्योंकि वाई टू द ओल्डेस्ट मेल चाइल्ड, तो यहाँ पर कौन, मार्टिन वॉज द ओल्डेस्ट मेल चाइल्ड, अब कोई मतलब बेटा तो इनका वॉज नॉट देयर, ठीक है, तो सिस्टर दैट लेडी द मॉम वॉज देयर मैरी, तो इसीलिए उनके बच्चे को ही पास ऑन करना था। इवन दो द बॉय ही सेड स्टिल लुकिंग एट मी बियर्स अ वाइट मैन्स नेम, भले ही जो बॉय है वो एक वाइट मैन का नेम है, क्योंकि मैरी हैज मैरिड टू अ वाइट अमेरिकन, तो मेडिसिन बैग जो है वो फिर भी उसी का ही होगा। आई डिडंट नो व्हाट टू से, मुझे नहीं समझ आया कि मैं क्या कहूँ, आई हैड द सेम हॉट एंड कोल्ड, अभी भी मेरे अंदर वो सेम हॉट एंड कोल्ड फीलिंग थी जो उस समय थी जब मैंने ग्रैंडपा को स्ट्रीट में सबसे पहले देखा था। मेडिसिन बैग, अब देखो यहाँ पर उसका डिस्क्रिप्शन, थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है कि मेडिसिन बैग जो है, जो एक बहुत ही डर्टी लेदर पाउच है जो मैंने उनके नेक के अराउंड देखा था, मैं उस चीज को कभी भी पहन नहीं सकता। आई ऑलमोस्ट सेड अलाउड, मैंने बहुत जोर से उस चीज को बोल दिया कि मैं इसको नहीं पहनूंगा,
आई थॉट ऑफ हैविंग माई फ्रेंड सी इट इन द जिम क्लास, और मैंने सोचा कि ये अगर मेरी जिम क्लास में मेरे फ्रेंड्स देख लेंगे या स्विमिंग पूल में देख लेंगे, मीन्स वेन एवर आई रिमूव माई शर्ट उस टाइम पर, एंड दे कुड इमेजिन द स्मार्ट थिंग्स दे वुड से, और मैं सोच सकता हूँ कि वो कितना हंसेंगे या फिर कौन कौन सी स्मार्ट चीजें मुझे बोलेंगे, मतलब सम सॉर्ट ऑफ प्रैंक करेंगे मेरे ऊपर या मजाक उड़ाएंगे. बट आई जस्ट स्वैलोड हार्ड एंड टुक द स्टेप टूवर्ड्स अ बेड. और जब मैंने ये जो चीजें उसको बड़ी बस इस सच को मैंने बस निगल लिया, और मैं आई जस्ट वेंट टूवर्ड्स अ बेड, आई न्यू आई वुड हैव टू टेक इट. और मुझे पता था कि मुझे ये तो लेना ही पड़ेगा मेडिसिन बैग, मैं मना नहीं कर पाऊंगा. पर ग्रैंडपा वाज टायर्ड और उन्होंने बोला कि नॉट नाउ मार्टिन, ही सेड वेविंग हिज हैंड इन डिसमिसल, इट इज नॉट द टाइम नाउ आई विल स्लीप. तो उन्होंने कहा कि अभी ये समय नहीं है, एंड ही वाज वेविंग हिज हैंड इन डिसमिसल कि भाई अब लोग सब लोग जाओ यहाँ से, अभी वो समय नहीं है, मैं अभी सोना चाहता हूँ. सो दैट्स हाउ ग्रैंडपा केम टू बी विद अस फॉर 2 months. और इसी तरह ग्रैंडपा हम लोग के साथ थे 2 महीने के लिए. माय फ्रेंड्स अक्सर मेरे फ्रेंड्स मुझसे पूछते थे कि भाई हमको उनको देखना है ओल्ड मैन को, पर मैं हमेशा उस चीज को पुट ऑफ कर देता था कि हटा दे, अरे छोड़ो, अरे हटाओ, अरे नहीं देखना, नहीं देखना. आई टोल्ड माई सेल्फ आई डिडंट वॉन्ट देम लाफिंग एट ग्रैंडपा. और मुझे बस इतना पता था कि मैं नहीं चाहता कि मेरे जो फ्रेंड्स हैं वो उन पर हंसे. बट इवन एज आई मेड एक्सक्यूजेस, बट जैसे जैसे मैं एक्सक्यूजेस करता था, आई न्यू इट वॉज इन ग्रैंडपा दैट आई वॉज अफ्रेड दे वुड लाफ एट. और मैं इतना ज्यादा था कि ये एक्चुअल में ग्रैंडपा नहीं है जिनके ऊपर वो हंसेंगे, दे आई वॉज अफ्रेड दे वुड लाफ एट, कि वे एक्चुअली ग्रैंडपा नहीं है जिनके ऊपर वो हंसेंगे. हो सकता है कि मैं हूँ, हो सकता है कि उनकी जैसे वो रहते हैं वो हो, बट उनके ऊपर तो वो कभी नहीं हंसेंगे. यू नो ही वॉज अ नाइस पर्सन. नथिंग बॉदर्ड शेरिल अबाउट ब्रिंगिंग हर फ्रेंड्स टू ग्रैंडपा. आप एज का डिफरेंस देख रहे हो सकता है वो 5 6 साल छोटी हो. एज हैज नॉट बीन टोल्ड ऑफ मार्टिन. तो यहाँ पर बोला गया कि शेरिल जो उनकी छोटी बहन थी, शी वॉज 10 years old, और इसको कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी अपने फ्रेंड्स को ग्रैंडपा से मिलवाने के लिए. हर दिन स्कूल आफ्टर स्कूल स्टार्टेड, जब स्कूल शुरू हुआ था समर वेकेशन के बाद, अ क्रू ऑफ गिगलिंग लिटिल गर्ल्स, हंसती हुई छोटी छोटी गर्ल्स का एक ग्रुप, एंड राउंड आइड लिटिल बॉयज क्राउडेड अराउंड द ओल्ड मैन. और राउंड आइड इन द सेंस कि आउट ऑफ वंडर जो ऐसे करके देख रहे हो ग्रैंडपा को, वैसे बॉयज छोटे छोटे बॉयज वहां पर आकर के बैठ जाते थे ग्रैंडपा के अराउंड. ओके ऑन द पेटियो, एक क्या होता है, एक पेव्ड आउटडोर एरिया दैट इज एडजॉइनिंग अ हाउस. यहाँ पर देखो दिया हुआ है ये एरिया, तो यहीं पर ही सपोज करो कि बीच में कहीं ग्रैंडपा बैठे हो, ग्रैंडपा के इर्द गिर्द ये लोग बैठे हुए हैं. ठीक है, पोर्च और पेटियो में एक ही फर्क होता है यहाँ पर, मतलब मेनली जो होता है ये होम के फ्रंट पे होता है, ये बैक ऑफ द होम के होता है. पीछे का जो एरिया होता है आंगन या कोई भी एरिया, वहां पर इसको रखा जाता है. बट पोर्च जो होता है वो घर के बाहर वाला एरिया होता है जहां पर कुर्सी लगा करके लोग बैठते हैं. ओके तो यहीं पर ही वो बैठा था. वेयर ही हैड गॉटन इन द हैबिट ऑफ सिटिंग एवरी आफ्टरनून, जहां पर उनको बहुत हैबिट थी कि वो दिन के समय पे वहां बैठते थे. फिर ग्रैंडपा वुड स्माइल इन हिज जेंटल वे एंड पेशेंटली आंसर दिस क्वेश्चंस. और ग्रैंडपा जो है ही वुड स्माइल इन हिज जेंटल वे, स्माइल करते थे एंड पेशेंटली उनके जो भी क्वेश्चंस होते थे बच्चों के वो बताते थे उनको. और ही वुड टेल देम स्टोरीज ऑफ ब्रेव वॉरियर्स, और उनको बताते थे स्टोरीज ऑफ ब्रेव वॉरियर्स, घोस्ट, एनिमल्स. और किड्स जो है बहुत ही ध्यान से, दे यूज टू बी फिल्ड विद वंडर, और वो ऐसे करके बहुत ही ध्यान से सुनते थे. दोज लिटिल गाइज थॉट ग्रैंडपा वॉज ग्रेट. और वो छोटे छोटे बच्चे थे वो सोचते थे ग्रैंडपा बहुत ग्रेट है, मतलब ऐसी ऐसी स्टोरीज वो बताते थे. फाइनली एक दिन स्कूल के बाद माई फ्रेंड्स केम होम विद मी बिकॉज नथिंग आई सेड स्टॉप विद देम, क्योंकि कुछ भी ऐसा नहीं था जो उनको उस समय पर रोक सकता था. ओके okay?
वी आर गोइंग टू सी द ग्रेट इंडियन ऑफ बेलव्यू ड्राइव. तो हम कह उनके जो भी फ्रेंड्स हैं वो कहते हैं कि हम लोग सब आज चलेंगे तुम्हारे साथ और उनको देखने के लिए जो तुम्हारे ग्रैंडपा हैं, ही इज अ ग्रेट इंडियन ऑफ बेलव्यू ड्राइव जहां पर तुम रहते हो. सेड हैंक, ये इनका वन ऑफ द फ्रेंड है, हु वाज सपोज्ड टू बी माय बेस्ट फ्रेंड. ही वाज हिज बेस्ट फ्रेंड, मार्टिन का बेस्ट फ्रेंड था वो. माय ब्रदर हैज सीन हिम 3 times. और माय ब्रदर एक और उनका फ्रेंड है, मतलब इसी के लिए बात हो रही है, हैंक, क्योंकि और किसी का नाम यहाँ नहीं दिया है. तो वो कह रहे हैं कि मेरे भाई ने, सपोज करो कि इसका भाई इससे छोटा होगा और वो शेरिल की क्लास में होगा और शेरिल के थ्रू उसने देखा होगा इसको. ओके, तो माय ब्रदर हैज सीन हिम 3 times, वो उनसे 3 बार मिले हैं. सो ही ऑट बी वेल इनफ टू सी अस, तो इसीलिए हम लोग को भी उनको देखना जरूरी है. When we got to my house, जब हम लोग घर पे पहुंचे तो grandpa again, he was sitting on the patio की वो पीछे जो backyard है वहां पर वो बैठे हुए थे. He had his red shirt on, वो अपने red shirt में बैठे थे. And today, आज वो और भी चीजें पहने थे. He was wearing a fringed, एक decorative border के साथ. देखो मैं इसकी फोटो दिखाती हूँ, ठीक है, ये होते हैं fringes. तो as, अरे एक मिनट, ये दिस काइंड ऑफ जैकेट या वेस्ट जैसा उन्होंने कुछ पहना हुआ था, ठीक है, लेदर का वेस्ट उन्होंने पहना था, वो बहुत डेकोरेटिव था. दैट वॉज डेकोरेटेड विद बीड्स इंस्टेड ऑफ, और अपने काउबॉय शूज जो नॉर्मल से बूट्स होते हैं, आई हैव ऑलरेडी शोड यू दैट, उसको पहनने के बजाय उन्होंने सॉलिडली बीटेड मोकैसिंस पहने थे. सॉलिडली बीटेड मतलब कि उसमें बीड्स लगी हुई थी, और वो वाले मोकैसिंस उन्होंने पहने थे, सम सॉर्ट ऑफ स्लिपर्स होते हैं ऐसे वाले, इसमें बीड्स लगी होती हैं. ओके, ये देख रहे हो, ये जो है ये बीड्स लगी हुई हैं. तो बहुत ही ये उन्होंने पहने थे, सॉलिड बीड्स लगी थी. ऑन हिज फीट दैट स्टक आउट ऑफ ब्लैक ट्राउजर्स, जो ब्लैक ट्राउजर के ऊपर स्टक आउट थे. ऑफ कोर्स ही हैड हिज ओल्ड ब्लैक हैट ऑन, और उन्होंने अपनी ब्लैक हैट, जो बड़ी सी ब्लैक हैट है वो भी उन्होंने पहनी थी. And he was seldom without it, hardly कभी ऐसा होता था कि वो इसको नहीं पहनते थे, but usually वो पहनते थे. But it had been brushed, पर उसको अच्छे से ब्रश किया हुआ था. और the feather in the beaded headband was proudly erect, और जो headband था उसमें जो feather लगा हुआ था वो बड़ी अच्छे से, वो मतलब straight ऐसे करके खड़ा हुआ था, ठीक है, ऐसे करके ये headband हुआ, और ये जो उसमें फेदर है वो ऐसे करके लगा हुआ था. ओके, फिर बोला गया इसमें, हिज हेयर ले इन सिल्वर स्ट्रैंड्स ओवर द रेड शर्ट कॉलर. रेड शर्ट कॉलर से ऐसे करके उनके जो हेयर थे वो ऐसे करके बाहर निकल रहे थे कॉलर के ऊपर से. आई स्टेयर्ड जस्ट एज माय फ्रेंड्स डिड एंड आई हर्ड वन ऑफ देम मर्मर वाओ. और जैसे ही मतलब मैंने सुना कि वो ऐसे बोल रहे हैं वाओ, जैसे मैं भी उतने ही हैरानी से उनको देख रहा था, यू नो एज इफ सम मास्टरपीस इज लाइंग देयर. तो ऐसे करके वो भी उसको देख रहे थे. एंड मैंने सुना कि कोई ऐसे बोल रहा है वाओ, मींस आउट ऑफ वंडर, आउट ऑफ अप्रिसिएशन, प्रेज, कोई उनको वाओ बोल रहा है. ग्रैंडपा लुक्ड अप एंड व्हेन हिज आईज मेट माइन. ग्रैंडपा ऐसे करके आंख उठा करके देखे, और जब उनकी आईज, मतलब जब मैंने उनको देखा और उन्होंने मुझे देखा, दे ट्विंकल्ड एज इफ ही वर लाफिंग इनसाइड. और वो ऐसे करके ग्लिटर कर रहे थे, ट्विंकल कर रहे थे उनकी आईज, जैसे लगा था कि वो मेरे ऊपर हंस रहे हो, क्योंकि आई वॉज द पर्सन जो अपने ग्रैंडपा से नहीं मिलवाना चाहता था, बट अभी मेरे फ्रेंड जो है उनको देख करके दे आर लिटरली इन वंडर कि वाओ व्हाट अ ग्रेट पर्सन ही इज. ओके, ही नॉडेड टू मी, उन्होंने ऐसे करके मेरे ऐसे नॉड किया, एंड मेरा फेस जो है इट वाज गेटिंग ऑल हॉट, मेरा फेस एकदम रेड रेड हो गया. आई कुडंट टेल दैट ही हैड नोन ऑल अलोंग, आई वाज अफ्रेड ही वुड एम्बैरस मी इन फ्रंट ऑफ माय फ्रेंड्स. एंड मुझे ऐसा मतलब आई कुड फील कि आई कुड टेल दैट ही हैड नोन, ये चीजें उनको पता थी कि आई वॉज अफ्रेड, कि मैं डरा हुआ हूं कि ये मुझे मेरे फ्रेंड्स के सामने एम्बेरस कर देंगे जस्ट बिकॉज ऑफ हिज अपियरेंस एंड बिकॉज ऑफ वेयर ही बिलोंग्स टू. तो मुझे ऐसा लगा कि ये मुझे एम्बेरस कर देंगे, और मुझे ऐसा लग रहा था उनके फेस से देख करके कि इनको ये चीज पता है.
हॉक्सिलास बॉयज, तो यहाँ पर बॉयज के लिए बोला गया है, मतलब वो उनको हेलो कर रहे थे, बॉयज हेलो। ही ग्रीटेड एंड हेल्ड आउट हिज हैंड, तो उन्होंने ऐसे अपना हैंड आगे की तरफ बढ़ाया। माई बडीज पास इन अ सिंगल फाइल, और मेरे जो भी फ्रेंड्स हैं वो एक सिंगल फाइल में ऐसे लाइन के जैसे वो एक एक करके उनसे मिले, मतलब ऐसे ऐसे करके, ठीक है, ऐसे स्ट्रेट वाला नहीं, ऐसे करके मिले उनसे। यहाँ जैसे सपोज करो कि यहाँ पर ग्रैंडफादर है, तो वो ऐसे करके नहीं, यहाँ से 1 देन 2 देन 3 ऐसे करके पास ऑन हो रहे थे। एंड शुक हिज हैंड्स एज आई इंट्रोड्यूस हिम, और सब अपना हाथ मिलाते जाते जैसे मैं उनको इंट्रोड्यूस कर रहा था। वो बहुत पोलाइट थे, देवर सो पोलाइट आई ऑलमोस्ट लाफ, मुझे हंसी आई थी उनको देख करके, वो इतना ज्यादा पोलाइट थे फ्रेंड्स इसके। हाउ देयर ग्रैंडपा एंड हाउ डू यू सर, ऐसे करके वो लोग पूछ भी रहे थे उनसे चीजें, क्वेश्चंस पूछ रहे थे। यू लुक फाइन ग्रैंडपा, कुछ बोल रहा है कि मतलब ये बोल रहा है, मार्टिन कहता है, आई सेड एज अ गाय सैट ऑन द लॉन चेयर्स और द पेशियो फ्लोर, वहां पर जब वो बैठे हुए थे बच्चे फ्रेंड्स इसके, तो मैंने बोला कि ग्रैंडपा आज बहुत अच्छे लग रहे हैं। हाँ यस ही अग्रीड, एंड ही अग्रीड कि हाँ ही नोज दैट ही इज लुकिंग वेरी फाइन टुडे। When I woke up this morning, जब आज सुबह मैं उठा, it seemed the right time to dress in the good clothes. So he is saying that, okay, grandpa, आप इसको लिख सकते हो अपने पास, कह रहे हैं कि जब मैं आज सुबह उठा तो मुझे लगा कि आज ये सही समय है कि अच्छे कपड़े पहनने का। मुझे पता था कि मेरा ग्रैंडसन जो है वो अपने फ्रेंड्स को लेकर के आ रहा है, इवन दो ही वॉज नॉट टोल्ड, बट एक सेंस होता है जो वो कर लेते हैं, वो उसको इसीलिए वो बहुत तैयार होकर के बैठे थे। यू गाइज वॉन्ट सम लेमनेड, तो मार्टिन पूछता है कि क्या तुम कुछ खाने पीने को लोगे, लेमनेड और समथिंग यू वॉन्ट, तो आई ऑफर्ड और नो वन आंसर, कोई सुना को, किसी ने जवाब नहीं दिया, क्योंकि वो इतना ज्यादा नाइसली ग्रैंडपा को ऐसे करके सुन रहे थे। एज ही स्टार्टेड टेलिंग कि हाउ ही हैड किल्ड द डियर फ्रॉम विच द बेस्ट वॉज मेड, जब वो उनको बता रहे थे कि उन्होंने कैसे उस डियर को मारा था जिससे उन्होंने ये वेस्ट जो है वो बनाई थी, ओके मतलब अपनी स्टोरी वो बता रहे थे, क्योंकि वहां की जो ट्राइब है वो ऑब्वियसली एनिमल्स को ही किल करके उसके बाद ही वही खाना एंड वही पहनना एंड ऑल, तो उसी के लिए वो बता रहे थे। ग्रैंडपा डिड मोस्ट ऑफ द टॉकिंग व्हाइल माय फ्रेंड्स वर देयर, ग्रैंडपा सबसे ज्यादा बोल रहे थे जब मेरे फ्रेंड्स वहां पर थे, एंड आई वाज सो प्राउड ऑफ हिम एंड अमेज्ड एट हाउ रिस्पेक्टफुली क्वाइट माय बडीज वर, एंड मैं बहुत प्राउड था कि मतलब वो ऐसे ही इज एवरीवन इज लिसनिंग टू हिम, एंड मैं बहुत हैरान भी था कि कितनी रिस्पेक्टफुली शांत होकर के मेरे फ्रेंड्स उनकी बातें सुन रहे हैं। मॉम हैड टू चेज देम होम एट सपर टाइम, कि मतलब उनको घर छोड़ने जाना था, तो मॉम उनको बोला कि जाओ, और हो सकता है कि उन्होंने घर तक भी पहुंचाया हो। एज दे लेफ्ट, जैसे वो जाने लगे, दे शुक ग्रैंडपास हैंड अगेन और ही सेड, दे सेड टू मी, और मुझे उन्होंने बोला दैट मार्टिन ही इज रियली ग्रेट, वो बहुत ही बढ़िया इंसान है, ही इज रियली अ नाइस पर्सन। यस मैन, तो मार्टिन उसी पर ही कहता है दैट यस मैन डोंट ब्लेम यू फॉर कीपिंग हिम टू योरसेल्फ, और ऑब्वियसली डोंट ब्लेम, ये मत कहना कि अब तुम उनको हमेशा अपने तक ही रखोगे, ओके वी शुड मीट अगेन। तो एक पर्सन उसमें से पूछता है कि कैन वी कम बैक, कि क्या हम लोग दोबारा से उनसे मिल सकते हैं, बट आफ्टर दे लेफ्ट मॉम ने बोला नो मोर विजिटर्स फॉर अ वाइल मार्टिन, ग्रैंडपा और मॉम ने बोला कि अभी कुछ समय के लिए बहुत सारे विजिटर्स नहीं आएंगे, इवन कोई भी नहीं आएगा इनसे मिलने के लिए, क्योंकि ग्रैंडपा इस चीज को मानेंगे नहीं, पर अभी उनकी स्ट्रेंथ जो है वो बहुत ज्यादा रिटर्न हुई, ही इज नॉट दैट हिम्मत वाला राइट नाउ, क्योंकि वो बहुत थके हुए हैं, ही इज ओल्ड इनफ एंड ही लाइक्स हैविंग कंपनी बट इट टायर्स हिम, उनको लोगों की कंपनी अच्छी लगती है लेकिन वो बहुत जल्दी थक जाते हैं। ओके दैट इवनिंग ग्रैंडपा कॉल्ड मी टू हिज रूम बिफोर ही वॉन्ट टू स्लीप, उस दिन उन्होंने मुझे बुलाया मेरे रूम, अपने रूम में सोने से पहले। टुमोरो, कल उन्होंने बोला, When you come home, जब तुम घर आओगे तो वो सही समय होगा तुम्हें मेडिसिन बैग देने का, और मुझे आई फेल्ट अ हार्ट स्क्वीज फ्रॉम माई हार्ट, और मुझे ऐसा लगा था कि समवन इज जस्ट स्क्वीजिंग माई हार्ट
जहां पर वेर माई हार्ट इज सपोज टू बी, एंड आई वॉज स्केयर्ड, और मुझे डर लग रहा था, बट मैंने सिर्फ उनको ये बोला ओके ग्रैंडपा, ठीक है, तो आई एम कीपिंग इट टिल हेयर, रेस्ट वी विल डू इन पार्ट थ्री, क्योंकि ये स्टोरी थोड़ी सी बड़ी है और थोड़ी सी नाइसली एक्सप्लेन करने वाली, इट्स नॉट दैट इजी. ओके, तो दिस वी विल फ्रॉम दिस पार्ट, जहां पर वो स्टोरी बताता है उस मेडिसिन बैग की, दिस इज इंपॉर्टेंट, दिस वी विल डू इन द पार्ट थ्री. टिल देन कीप प्रिपेयरिंग, बेस्ट विशेस, थैंक यू.